नमस्कार दोस्तों, वेद संसार के वीडियो चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा ही रक्षाबंधन कहलाता है। बता दें कि यह पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। इस खास दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे रक्षाबंधन त्यौहार मनाने का नियम और पौराणिक कथा के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। कहते हैं कि राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का एक टुकड़ा बांधा था। बस इसी के बाद से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। यही नहीं, ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को राखी बांधकर उनकी मंगल कामना की जाती है और इसी खास दिन वेद पाठी ब्राह्मण यजुर्वेद का पाठ भी आरंभ कर देते हैं। बस इसलिए इस दिन शिक्षा का आरंभ करना बहुत शुभ माना जाता है। अब जानते हैं रक्षाबंधन त्यौहार मनाने का नियम क्या है। सबसे पहले आप एक थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई को रख लें। यही नहीं, घी का एक दीपक भी जरूर रखें जिससे आप अपने भाई की आरती कर सकें। रक्षा सूत्र यानी कि राखी व पूजा की थाल जो अपने सजाई है वह सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। भाई को पूर्व और उत्तर की तरफ मुंह करवा कर बैठाएं और सबसे पहले भाई को तिलक लगाएं, उसके बाद रक्षा सूत्र बांधें और फिर आरती करें। आखिर में मिठाई खिलाकर भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, अब जानते हैं राखी बांधते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ध्यान रहे कि भाई को बांधने वाला रक्षा सूत्र 3 धागों का होना चाहिए और वो भी लाल, पीला और सफ़ेद। अगर इन 3 धागों का राखी ना मिले तो लाल और पीला धागा तो उसमें ज़रूर होनी चाहिए। रक्षा सूत्र में चंदन लगा हुआ हो तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। कुछ अन्य बातों पर दे ध्यान। रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधते समय भाई और बहन दोनों का ही सर खुला नहीं होना चाहिए। रक्षा बंधवाने के बाद माता पिता और गुरु का आशीर्वाद भी जरूर लें। तत्पश्चात बहनों को सामर्थ्य के अनुसार उपहार भेंट करें। जान लें कि उपहार में ऐसी वस्तु दें जो दोनों के लिए मंगलकारी हो। भूल कर भी काले वस्त्र तथा तीखा या नमकीन खाद्य पदार्थ ना भेंट करें। तो दोस्तों, रक्षाबंधन से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया वीडियो पर लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में यह भी बताएं कि भाई अपने बहनों को किस तरह के उपहार दें।